जब से एक ब्रांच था आप लोगों का, जी सर। आप तो शायद 5-6 हो गए शायद। हाँ सर, मैं बैंगलोर ब्रांच। हाँ, तो मैं तब आपकी एक थी, तब से हूँ मैं जी हर टीम मेंबर्स को, आपके जितने सारे टीम मेंबर्स जो भी काम करते हैं अकाउंट जी मैनेजमेंट में, सर। सब लोगों को जानता हूँ, पहचानता हूँ, जैसे कि यू आर लाइक माई फैमिली मेंबर्स। सुबह शाम फोन करता हूँ। जी आप तो, मैं तो फोन पे बात कर रहा था आपसे। जी रिस्किंग तो 100% हम लोग ना ख्याल रखते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट डैमेज होएगा तो पूरा लॉस होगा। अब जाएगा कस्टमर पास जाएगा, वो प्रोडक्ट डैमेज होगा तो हम लोगों को कॉम्पनसेट करना पड़ता है रिटर्न्स में, इसमें उसमें वगैरह, तो उसमें बिल्कुल। बहुत लॉस हो जाएगा। तो हम लोग ऑनलाइन पे मोस्टली रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, ब्रेव सेलर सीरीज में एक बार और आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमारे ब्रेव सेलर सीरीज को इतना ज्यादा प्यार दिया है और हमारे सारे वीडियोस पे आप अपने व्यूज दे रहे हैं, आप अपने लाइक्स दे रहे हैं, बट कमेंट्स कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो प्लीज कमेंट्स में जरूर मेंशन करें ताकि हमको ये पता चले कि ब्रेव सेलर सीरीज में हम किस किस पॉइंट पे बेटर कर सकते हैं। So, आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं जहां पे एक और सेलर से उनका ऑनलाइन एक्सपीरियंस हम समझना चाहेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्ट्री चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आपको पहले ब्रेव सेलर सीरीज पसंद आए होंगे। आज हम एक और ब्रेव सेलर करने जा रहे हैं। एक एक बहुत ही नियर एंड डियर फ्रेंड है, हॉट फैशन उनका ब्रांड नेम और स्टोर नेम भी है। इनसे हम काफी, अब कह सकते हैं, लॉकडाउन से जुड़े, और लॉकडाउन में हम लोग लॉक हो गए और अभी तक जुड़े हुए हैं। सो ये इनकी, आई गेस, की अच्छी बात है कि हमसे कनेक्टेड भी रहे, कहीं ना कहीं सर्विसेज इनकी अच्छी लगी और हम लोग यही कोशिश करते हैं कि और इसको इम्प्रूव करें। तो आज इन्हीं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ मीटिंग करने के लिए। सो आइए बात करते हैं इनसे, क्या सीनारियो सर। तो सबसे पहले वेलकम टू दिस शो, एंड आई वॉन्ट टू थैंक यू कि आप अपना समय दिए सर, और बिग फैक्शन के लिए आपने एक टाइम निकाल के इस इंटरव्यू को किया, सबसे थैंक यू सर उसके लिए। वेलकम। तो सर, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे यही होता है कि आपने सर ई कॉमर्स बिजनेस कब स्टार्ट किया, और जब आप स्टार्ट किए अपना ई कॉमर्स बिजनेस, क्या मोटिवेशन हुआ सर, मतलब किस चीज पे, कौन से फैक्ट्स पे आप बेस्ड होके अपना डिसीजन लिए कि ई कॉमर्स स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्या है, मैं 2015 से लॉन्च किया हूँ मेरा अकाउंट अमेजोन पे। 2014 में अमेजोन ना लॉन्च हुआ था इंडिया में। 2015 से ही मैं अपना अकाउंट लॉन्च कर दिया था। तो 2015 बोलिए तो मेरा तो बिजनेस, तो देखिए मेरा मोटिवेशन एक ही था कि हमारे फील्ड में ना, वो कॉस्मेटिक फील्ड है मेरा, करेक्ट, मेरा तो ऑलरेडी स्टोर्स है हमारे इसमें, तो हम, मेरे पास 4 स्टोर है। ये प्लेटफॉर्म ना डिजिटल मार्केटिंग का, अभी डिजिटल मार्केटिंग का तो बूम है अभी फिलहाल ई कॉमर्स का पूरा, क्योंकि मैं इससे पहले मैं वेस्टर्न कंट्रीज में रह के आया हूँ, तो वहाँ पे ज्यादा ई कॉमर्स के वही अमेजोन, ई बे, ये पूरे ना इस्तेमाल होते हैं, तो जी, उससे ना मैं यूज टू हो गया। ओके, तो फिर वापस आया था मैं 2014-15 में, इंडिया में आया था मैं, तो मैं सोच रहा था वो लैकिंग था इंडिया में, तो ऐसे ही अमेजोन में, अमेजोन अमेजोन वाला तो इंडिया में लॉन्च कर दिया। जैसे लॉन्च किया, मैं डाल दिया मेरा कॉस्मेटिक, मेरा ऑनलाइन कर दिया मेरा स्टोर, डाल के तब से मैं तो चला रहा हूँ मैं अब तक, टिल 2023 इंडिया में भी कर रहा हूँ, दूसरे मार्केट प्लेसेस में भी कर रहा हूँ मैं। तो डिजिटल मार्केट का फील्ड तो डिजिटल मार्केटिंग का ही है फ्यूचर, तो डिजिटल मार्केटिंग ही हूँ। ई कॉमर्स तो डिजिटल होना ही है, ऑनलाइन जी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना ही है, ताकि जी कुछ और लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ऑनलाइन का, तो एक ही ऑफलाइन में रह नहीं सकते, कि ये डुअल है, तो आपको ऑनलाइन भी होना चाहिए, ऑफलाइन भी होना चाहिए, तो उस करेक्ट। वजह से मैं ऑनलाइन पे आया हूँ और बिजनेस कर रहा हूँ। तो सर, जैसे कि आप बताए कि 2015 में पकड़ के चलते आपने तब से स्टार्ट किया, बहुत कम अभी तक मैं सेलर्स को इस सीरीज में मिला हूँ जो कि जीएसटी इंप्लीमेंट होने से पहले से हैं। तो जब 2017 में सर जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई को, तो आपके लिए भी ट्रांजिशन करने में सर, क्या आपको उस समय क्या प्रॉब्लम आई, उसके बारे में बता सकते हैं सर? बिकॉज उस समय काफी लोगों को नहीं पता था जीएसटी क्या होता है, फाइलिंग कैसी होगी, सीएस भी कंफ्यूज थे। आज के टाइम पे तो सभी लोगों को पता है काफी, क्योंकि 6 साल होने को आया है। तो आपके लिए सर ये कैसा था कि प्रॉब्लम क्या आए थे उस समय? ट्रांजिशन तो डेफिनेटली प्रॉब्लम फेस किए थे हम लोग, क्योंकि मेरे पास ना लकीली अकाउंटेंट ना अच्छा निकल गया,
और मेरे को ना वो इजीली अपने को आइडेंटिफाई करने का, देखिए अब ये तो ऑनलाइन हो गया तो पूरा जीएसटी के क्या है, अब कुछ भी जो ऑनलाइन में हम बेचते हैं पूरा वाइट है, जैसे कि देखिए अब कुछ भी छुपा नहीं सकते, जीएसटी जो भी हम लोग हम खरीदते हैं परचेस करते हैं वही हम लोग सेल करते हैं, वो सेल रिपोर्ट तो मंथली हम लोग को अमेजोन वाला दे देता है, तो थोड़ा इजी हो गया तो हम लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए, आधा काम तो अमेजोन ही करके दे दिया हमने को, और डेटा पूरा शटर करने के लिए अकाउंटेंट अच्छा निकल गया, हम हमारे गाइडिंग से उनको भी थोड़ा जल्दी समझ में आया, कि पहले वो जीएसटी इम्प्लीमेंट नहीं हो से पहले वो अकाउंटेंट्स को बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंट जो भी देखते हैं ना उन लोगों को उतना नॉलेज नहीं था ये ऑनलाइन का कैसे करते हैं, लेकिन हम लोग क्रैक किया, क्रैक करके फिर हम लोग उनके इनपुट से हमारे इनपुट से लेके दोनों को मिला के किए, तो उसका हम लोग को फायदा हो गया और कुछ दिक्कत ज्यादा हम लोग फेस नहीं किए। ओके तो ये तो एक नया ट्रांजिशन पे आप आए ई-कॉमर्स पे, एक और ट्रांजिशन में आप बिल्कुल उस समय एक्टिव थे, उस समय अकाउंट सस्पेंड हो गया था बट रीइंस्टेट भी हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मेरे को याद भी है, तो वो था लॉकडाउन पीरियड सर, राइट, कोविड का समय, तो कोविड का समय सभी जानते हैं कि ई-कॉमर्स का बूस्टिंग के लिए कोविड या फिर लॉकडाउन जो है कैटलिस्ट का काम किया, मतलब उसने ई-कॉमर्स को बहुत बूस्ट किया, उसने ई-कॉमर्स के प्रति लोगों को ट्रस्ट करना सिखाया और यूज करना सिखाया, मजबूरी हो या लोग खुद भी यूज करना चाहे, रीजन कुछ भी हो, तो आप उस टाइम पीरियड को कैसे आप ऑब्जर्व करते हैं, कि आपको क्या लगा कि लॉकडाउन टाइम पीरियड ई-कॉमर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइमलाइन के लिए माना जाता है? देखिए लॉकडाउन में मेरा तो अकाउंट सस्पेंड हुआ था और वो एक डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन थोड़ा स्लो हो रहा था प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारे लोग ना एम्प्लॉयज काम नहीं कर रहे थे, कुछ था मेरे को तो वर्कलोड ज्यादा था शायद उसके ड्यूरेशन में, वो डॉक्यूमेंटेशन का वगैरह वो वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा टाइम लगा शायद, एंड ऑफ द डे तो मेरा तो वेरिफिकेशन हो गया, मेरा अकाउंट तो खुल गया, अभी ये प्रॉब्लम्स तो ज्यादा कुछ भी नहीं है, जो पहले लॉकडाउन में लॉकडाउन से पहले जैसा था सिचुएशन वैसे ही था, लेकिन ऑर्डर्स ज्यादा आ जा रहे थे क्योंकि लोग ना अब प्रमोशन ज्यादा कर रहा था अमेजोन वाला की और ट्रस्ट फैक्टर वगैरह वगैरह, तो लोग सब ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए, आने को हमारा सेल भी बूस्ट अप हुआ और हम टीम भी बढ़ाए उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम किए, तो इट वॉज गुड। करेक्ट सर, जैसे कि अब ऑडियंस पे अगला जाते हैं, आपने वीडियो के स्टार्ट में मेंशन किया सर कि आप कॉस्मेटिक्स कैटेगरी के एक सेलर हैं, तो कॉस्मेटिक्स पे सर आपका डिसीजन कैसे बना, क्या पहले से आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वॉल्व थे, इसे डिसीजन आसान हो गया इस कैटेगरी में आपको सेल करना ऑनलाइन पोर्टल्स पे? हाँ वो तो बेनिफिट था मेरा, क्योंकि हमारा 10-15 साल से यही लाइन के हम लोग कॉस्मेटिक में ही है, हम तो पुराने प्लेयर है ऑफलाइन का, तो ऑनलाइन का तो अभी मार्केट चल रहा है, तो हम लोग सोचे कि ऑनलाइन रख देना चाहिए क्योंकि सेल्स अपने बहुत सारे लोग ना पब्लिक ना वो ऑनलाइन पे ही जा रहे हैं, तो हम लोग ना वो इजी हो गया, वो कैटेगरी भी हमारे को इजी हो गया था, तो वो हैंडल करने के लिए भी इजी हो गया अपने लिए। ओके एक सवाल सर, अमेज़न के अलावा सर और किस किस पोर्टल पे सर आप अवेलेबल है? देखिए अमेज़न के अलावा मेरे खुद के वेबसाइट्स है, और मैं इससे पहले मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, मैं इससे पहले वो फ्लिपकार्ट का था और कौन सा था वो दूसरा एक और था वो याद नहीं आ रहा मुझे, मीशो नहीं, इससे पहले मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, अमेज़न फ्लिपकार्ट मीशो तो नहीं है अभी लेटेस्ट आया वो मीशो, ये प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन मेरे को ना वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे ना मेरे को इश्यूज आ रहे थे, जैसे कि वो क्या बोले शिपिंग का, और आप प्रोडक्ट्स जो बेच रहा हूँ रिटर्न आ रहे तो प्रोडक्ट्स चेंज होके आ रहे थे और थोड़े इश्यूज आ रहे थे, ताकि मैं वो मेरा बिजनेस के लिए अच्छा नहीं था, वो क्लेम्स भी ठीक से क्लेम होगा तो भी वो पैसे वापस नहीं आ रहे थे दूसरे मार्केट प्लेसेस में, तो मैं क्या किया उसको पूरा बंद कर दिया, मैं फ्लिपकार्ट पे नहीं, मैं सिर्फ अमेजोन पे करता हूँ, मैं अमेजोन अच्छा है वो ट्रस्ट फैक्टर के लिए या उसका प्रोसेस जो भी है वो कस्टमर को या सेलर को वो बराबर जेन्युइनली वो बैलेंस करता है अमेजोन, तो इसलिए मैं फिलहाल तो मैं अमेजोन ही कर रहा हूँ, मैं दूसरे जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट है वो नहीं करता हूँ मैं, हाँ मेरा मेरा खुद का वेबसाइट है उस पर तो ऑपरेशन चलता ही रहता है। कैटेगरी पे बात किए सर, इन्वेंटरी की बात करते हैं, कॉस्मेटिक्स में इन्वेंटरी रेंज बहुत ज्यादा है, तो
वो इन्वेंट्री रेंज आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इस कॉस्मेटिक्स में आप ये रेंज ऐड कर देना चाहिए, इस रेंज में आप उतना सेल्स नहीं दिख रहा है इसको हटाते, ये डिसीजन कैसे होता है? ऑफलाइन का भी एक्सपीरियंस और ऑनलाइन एक्सपीरियंस दोनों मिला के, या सिर्फ ये डेटा ऑनलाइन एक्सपीरियंस से निकाल के डिसीजन लेते हैं? डेटा ऑनलाइन से कुछ भी नहीं होता है, जी डेफिनेटली मार्केट का होता है। जो पब्लिक जो जो चाहते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, वही ऑनलाइन जाके खरीदते हैं। अब मार्केट में जो प्रोडक्ट आता है उसका ब्रांडिंग के बेसिस पे, वो पूरा जो भी टीवी पे इस पे एडवर्टाइजिंग पे चलता है ना, वही माल जो दिखता है वो वही बिकता है। तो मार्केटिंग जो होता है वही मार्केट में जो होता है वो हम लोग ऑफलाइन रखते हैं। वही ऑफलाइन अब कस्टमर को ऑनलाइन देना है, तो हम लोग वही प्रोडक्ट ऑफलाइन का जो आता है ऑनलाइन में रख के बेचते हैं। बेचते हैं। तो वही है प्रोसेस। इसके लिए अब देखिए, थोड़े ब्रांड्स में हर प्रोडक्ट नहीं जाता है, प्रोडक्ट जाता है वो जो ऑफलाइन में जो प्रोडक्ट है। देखिए, ऑफलाइन में जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन में जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली कंपटीशन वहां पर रहता है। तो हम थोड़े बेच सकते हैं, थोड़े बेच नहीं सकते। हम डेफिनेटली प्रोडक्ट के पीछे ना R&D करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट हम डालेंगे, किस पे ज्यादा प्रॉफिट आएगा, ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ही हम लोग इन्वेंट्री में ऐड करते हैं। जी तो वो तो डेफिनेट R&D तो होता है हर ब्रांड पे, हर प्रोडक्ट पे, हर SKU पे हम लोग R&D करके उसके बाद लिस्ट करते हैं। अनलेस एंड अंटिल हमको प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है तो वही प्रोडक्ट वही डालते हैं, बस उस पे ही रन करते हैं, दूसरा कुछ नहीं है। ओके, ये तो रहा है कैटेगरी। बढ़ेगी सेल नहीं बढ़ेगा, इन्वेंट्री बढ़ेगी तो कुछ भी नहीं होगा। इन्वेंट्री में 1,000 डालो, 2,000 डालो, कुछ भी डालो, लेकिन सेल नहीं आएगी। सेल आना है तो डेफिनेटली यू हैव टू डू R&D। तुम करेक्ट, सर्च करेंगे प्रोडक्ट के पीछे और सेल्स कितनी बन रही है वही मैटर करता है। बिल्कुल। इस इनपुट्स के अलावा एक और इनपुट में जानना चाहूंगा कि जैसे कैटेगरी सिलेक्शन हो गया, अब हमारा सिलेक्शन इन्वेंटरी पे हो गया, नेक्स्ट जो आती है इसमें पैकेजिंग आती है सर। कोई भी प्रोडक्ट्स आप कर रहे हैं उसको, जब आप खुद से ब्रांड जो ब्रांडेड है उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी पैक्ड होके आती है, पैकेजिंग होती है। जब आपके भी जो ब्रांड्स पे जो चल रहा है, जो व्हाइट लेबल आप सेलर हैं, आप खुद का ब्रांड से भी कर रहे हैं, उसमें पैकेजिंग को आप कैसे डिफाइन करते हैं सर? मतलब पैकेजिंग का डिसीजन कैसे लेके आते हैं? देखिए, पैकेजिंग का तो डेफिनेटली हम लोग, वो ब्रांडिंग का पैकेजिंग अलग होता है, लेकिन हम लोग जो शिपिंग करते हैं ये थ्रू FBA या थ्रू मर्चेंट्स है करते हैं, डेफिनेटली हम लोगों को चेक करना पड़ता है कि हार्ड क्वालिटी कौन सा अच्छा है, ताकि वो ज्यादा देर लॉजिस्टिक इश्यूज नहीं आए। क्योंकि दूर दूर तक थ्रू आउट इंडिया कहीं भी इंडिया या दूसरे कंट्रीज में जाता है, तो डेफिनेटली हम लोगों को ना वो ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो वो प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है। ब्रांडिंग, ब्रांड वाले प्रोडक्ट्स जो भी है, ब्रांडिंग होता है, वो पैकेजिंग आता है, लेकिन हम उसपे अलग, हम लोग थर्माकोल डाल के बबल रैप करके उसको ना जो जितना सेफ्टी हम लोग सेव कर सकते हैं हाँ सेव करके ही उसको पैक करके रीपैक करके हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट, वो पैकिंग के ऊपर पैकिंग करके बेचते हैं, ताकि अंदर का प्रोडक्ट डैमेज ना हो। तो ना, वही हर इन्वेंट्री पे वही है, हर इन्वेंट्री हर प्रोडक्ट पे हम लोग वैसे ही करते हैं पैकेजिंग। हालांकि मैं FBA नहीं करता हूँ, FBA में करते हैं तो प्रोडक्ट दे देता हूँ, वो वहां पे वहां से पैकिंग होता है, वो कैसे होता है वो लोग जानते हैं, लेकिन मैं तो मर्चेंट फुलफिलमेंट का बिलीव करता हूँ, तो मैं खुद पैक करता हूँ। तो डेफिनेटली मैं बबल रैप लगाता हूँ, जो जो GSM जो कार्डबोर्ड जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो मोटा थिकनेस वो पे मैटर करता है, हम लोग वो ख्याल रखते हैं, बबल रैप डेफिनेटली, और थर्माकोल भी डालते हैं। अगर से ग्लास वेयर, ग्लास का आइटम कुछ भी, परफ्यूम्स वगैरह कुछ भी करना है तो डैमेज होने के चांसेस है, या क्रीम बेस या कुछ भी रहेगा, प्लास्टिक से ऊपर प्लास्टिक रहेगा लेकिन वो गिरेगा तो फूट जाएगा, जाएगा। ये उसके लिए हम लोग थर्माकोल इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट को हम लोग बबल रैप से पैक करते हैं। पैकेजिंग तो 100% हम लोग ना ख्याल रखते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट डैमेज होगा तो पूरा लॉस होगा। अब जाएगा कस्टमर के पास जाएगा, वो प्रोडक्ट डैमेज होगा तो हम लोग को कॉम्पनसेट करना पड़ता है रिटर्न्स में, इसमें उसमें वगैरह, तो उसमें बिल्कुल, बहुत लॉस हो जाएगा। तो हम लोग क्या ख्याल करते हैं, इन्वेंट्री में कभी भी हम लोग पैक करते हैं 100%, हम लोग डब्बा ऊपर का जो कार्डबोर्ड होता है कॉरुगेशन बॉक्स, उसका GSM अच्छा मोटा वाला थिकनेस इस्तेमाल करते हैं, और लेबलिंग भी अच्छा तरीके से पैक करते हैं, अंदर थर्माकोल डालते हैं, बबल रैप, ये सारे आइटम हर प्रोडक्ट पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हम डब्बे से सिर्फ डब्बा डालो उसमें डाल के हम लोग भेजते नहीं है। प्रोडक्ट करेक्ट, का मेन इंपॉर्टेंट होता है डैमेज ना हो, वो जाएगा वापस आने के लिए भी सेफली होना चाहिए, एक ही तरफ नहीं, टू वे रिटर्न सेफली आना चाहिए, ताकि बिल्कुल ये भी अच्छा है, अमेजोन के लिए भी अच्छा है, अच्छा है। कस्टमर के लिए भी अच्छा है, तो वो प्रोसेस ना ठीक होना चाहिए।
तो वो प्रोसेसिंग के लिए हम लोग पूरा इस्तेमाल करते हैं। तो ऑडियंस आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं कि अगर कोई 8 इयर्स या 2015 14 15 के सेलर है, वो उनके पास कितना डिटेल्ड सब चीज का एक डेफिनेशन है इन्वेंटरी अपडेट्स के लिए या फिर पैकेजिंग के लिए बात करें। यही डिफरेंस हो जाता है कि जब आप इस मार्केट में ओल्ड हो जाते हैं तो आपके पास सारे चीज का एक्सपीरियंस होता है। यही चीज होता है कि जो गलतियां हुई उस पर सुधार कैसे हो, यही एक स्कोप ऑफ वर्क रहता है। सो बहुत ही डिटेल में आप बता रहे हैं सर। एक चीज और है इस पे कि जब ऑर्डर्स आ रहे हैं भेज रहे हैं, रिटर्न्स पे फिर का एक्सपीरियंस कैसा है कि प्रोडक्ट डैमेज आता है, प्रोडक्ट डिफरेंट ही आ जाता है या यूज्ड आ जाता है, लोग कुछ और डाल के भेज देते हैं। अभी तक आपका ऑनलाइन एक्सपीरियंस रिटर्न्स में कैसा रहा है? देखिए अमेजोन का थोड़ा बेहतर है कंपैरेटिवली दूसरे फ्लिपकार्ट या मीशो। मीशो का तो मेरे को तो जीरो इन्फॉर्मेशन है, मैं उस पर करता, मैं फ्लिपकार्ट से ही मैं कंपेयर करूंगा और मेरे वेबसाइट्स पे ही है। मैं जैसे वेबसाइट पे मैं काम करता हूँ वो चीजें लाना चाहिए अमेजोन को। अमेजोन ठीक है, कोई एक आध बार हम लोग को, आज मोस्टली रिटर्न्स के बात कर रहा हूँ मैं, रिटर्न्स और दूसरी बात प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट्स जो चेंज हो जाता था, हम लोग एक कस्टमर को हम भेजते हैं एक आइटम और वापस आता है वह यूज आता है, कभी कभी प्रोडक्ट कम्प्लीटली डिफरेंट आ जाता है, तो वो टाइम पे तो अमेजोन तो ऑप्शन दिया हुआ है ए टू जी क्लेम्स करने के लिए। सेलर के थ्रू भी हम लोग क्लेम कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट आता है ऐसा कुछ डैमेज वगैरह या तो चेंज आइटम आ जाता है, तो हम लोग इमेजेस इमेजेस डाल के वो रीजंस डाल के तो क्लेम आता है हमारे को। जितना आना चाहिए उतना तो नहीं आता, जो फुल प्रोडक्ट का फुल जो फॉर एग्जाम्पल 2000 का है हम लोग परचेस किए हैं, 1200 या 1300 जो भी एक्स वाई जी वो आता है, तो एटलीस्ट वो उतना तो आ गया तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन ना और कम होता है वो, जितना हम लोग परचेस किए उतना तो नहीं आएगा, उससे कम आएगा। अब वो रिटर्न्स तो रिटर्न्स आते हैं, वो कंपनी हमारे जो कंपनीज है हम लोग उन लोगों से टाई अप है, कुछ भी डैमेज हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं सप्लायर से भी, तो वो थोड़ा बहुत कंपनसेट होता है। मैं बोलूंगा नहीं कि 100%, लेकिन पार्शियली हम लोगों को कंपनसेट हो जाता है, थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है। तो अमेजोन तो एक ख्याल रखना चाहिए, जो प्रोडक्ट हम लोग भेज रहे हैं कस्टमर को रिसीव हो रहा है तब वो रिटर्न लेते हैं, हम लोग रिटर्न पॉलिसी है तो रिटर्न करते हैं। तो अमेजोन को एक चीज ख्याल रखना चाहिए कि वो कस्टमर को चेक करे जो आइटम आपको आया है वही कंडीशन में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे कि नायका करता है, नायका वाला करता है वो चीज, वो अमेजोन में लेके आना चाहिए। नायका वाला जो प्रोडक्ट हम भेजते हैं तो उसके कंडीशन है, लेबल फटना नहीं चाहिए, प्रोडक्ट ना वो सेम रहना चाहिए, वो पॉलिसी भी है कि इतने दिन में ही क्लेम करना है, इतने दिन में ही वापस ले सकता है, तो वो पॉलिसी ना अमेजोन में आना चाहिए। ये अमेजोन में बहुत सारा घोटाला हो रहा है, पहले फ्लिपकार्ट में होता था, कंप्लीटली फ्लिपकार्ट तो गॉन केस है समझिए, ये अमेजोन में वो करना चाहिए ताकि वो और ट्रस्ट फैक्टर, सेलर बींग सेलर के लिए भी कस्टमर का ही सोचता है, वो हम जैसे सेलर से उसका बिजनेस भी कोलैप्स होता है, बहुत सारे ना डर के ना सेलर्स बढ़ते नहीं और उन बहुत सारे सेलर्स ना अब देखिए हट जाते हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आता है कॉन्सेप्ट कि ये रिटर्न्स पे कैसे हैंडल करें और देखिए ये प्रोडक्ट्स को कैसे हैंडल करें और कैसे कॉम्पोजिट करना है, बहुत सारे सेलर्स को नहीं मालूम है। अब देखिए हम तो थोड़े बहुत वो इस पे अवेयरनेस है हमारे पास कि हम प्रोग्राम्स अमेजोन पे प्रोग्राम्स होते हैं एवरी वीकली वीकली, हम थोड़े बहुत तो पार्टिसिपेट करते हैं, उससे हम लोग को अवेयरनेस आ गया कि ए टू जी क्लेम्स कैसे करना है, इसको उसको उसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे क्लेम करना है ये वगैरह हम करते हैं, लेकिन हम लोगों को अवेयरनेस है, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है सेलर्स का। तो अमेजोन को ख्याल रखना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट हम लोग रिटर्न ले रहे वो लेने के बाद वो कस्टमर के पास भी वेरीफाई करे कि वो सेम प्रोडक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये प्रोडक्ट ना वो सेम प्रोडक्ट है कि नहीं, ये रिटर्न आ जाएगा तो सेलर क्या हो जाएगा, कस्टमर के बारे में सोच के आप लोग रिटर्न पैसे रिटर्न कर दे रहे हैं, आप लोग अमेजोन रिटर्न कर दे रहा है, पैसे रिटर्न हो जा रहा है, प्रोडक्ट रिटर्न हो जा रहा है, सब हो जा रहा है, एंड ऑफ द डे वो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है तो सेलर का और सेलर से फिर अमेजोन पे वो हम लोग ना वो मैं क्लेम कर रहा हूँ अमेजोन से ये कर रहा है, कस्टमर क्लेम कर रहा है सेलर से, सेलर क्लेम कर रहा है इससे, अगर से रॉन्ग प्रोडक्ट आ रहा है कुछ भी, अगर से के लिए आप ना कस्टमर के पास मेरे पास से ले रहे हो वो डब्बा जा रहा है तो वहां से उधर जा रहा है तो वहां पे भी वही प्रोडक्ट आप चेक करके लेके आएंगे तो हमारा और उनका पैसा बच जाएगा, मेरा भी और अमेजोन का भी, तो लेके आना चाहिए कस्टमर अमेजोन।
तो वो है, बाकी का तो देखिए ठीक है। बिल्कुल, जैसे कि एक चीज और, जैसे वेबसाइट की बात करें, अगला क्वेश्चन मेरा वही है कि आप वेबसाइट पे भी, आपने बताया कि वेबसाइट्स भी, आप वेबसाइट पे भी आप वर्क स्टार्ट किए हैं, तो ये आप क्यों जरूरी समझे? बिकॉज सेलर्स लोग के लिए भी ये, बहुत सारे सेलर्स लोग अभी नहीं रखते हैं, तो आपने ऐसा जरूरी क्यों समझा कि वेबसाइट भी से बिजनेस स्टार्ट किया जाए? ये देखिए क्यों बोले तो अमेजोन पे हम लोगों को परसेंटेज देना पड़ता है, मार्जिन पड़ता है उन लोगों को, कुछ भी 100 रुपए का डालिए 20% 10% जो भी है, जो कैटेगरी वाइज से वो लेता है कमीशन, मार्केट प्लेस इस्तेमाल करने के लिए चार्जेस लेता है। अब वो हम हमारे खुद के वेबसाइट में डालेंगे, अभी मैं किसको भी देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मैं कस्टमर को दे सकता हूँ मार्जिन, जो भी ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे सकता हूँ मैं। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अमेजोन पे मैं दे रहा हूँ, अमेजोन पे लिस्ट कर रहा हूँ, अमेजोन का मार्केट प्लेस इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो फी ले रहा है, वो प्रोडक्ट का फी ले रहा है, तो उस पर 10% चल गया, कस्टमर पे फिर 10-15% चला गया। तो या तो हम मेरा जो कॉन्सेप्ट है, ये मेरा खुद का वेबसाइट, मैं जो SEO करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग जो भी करता हूँ मैं मेरे वेबसाइट पे, उसको डायरेक्ट मैं कस्टमर, जो अमेजोन का कमीशन भी है वो कस्टमर को जाए, कस्टमर को जाएगा, तो 10% या 15% जो हम लोग कस्टमर को दे रहे हैं, वो 25% डायरेक्ट कस्टमर को आएगा, तो हम लोगों को बिजनेस बढ़ेगा। देखिए, जो मेरे को मार्जिन बचना था वो बच रहा है, वो रख रहा हूँ मैं अभी, जो अमेजोन का मैं कट कर सकता हूँ, अमेजोन का कट करके मैं डायरेक्ट कस्टमर को दूंगा, तो मेरे को सेल आएगा। तो उसी लिए मैं क्या सोचा कि हम कभी ना कभी बैक ऑफ द माइंड बिजनेस के लिए सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट, सिक्योरिटी, Amazon कभी भी किसी ना रीजन के लिए वो अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, सस्पेंड कर सकता है एनी टाइम एनी मोमेंट। हम लोग टाइम पे तो हम लोग टाइमली हम लोग कस्टमर के जो भी कंप्लेंट्स होते हैं प्रोडक्ट का, ऑथेंटिसिटी का, ब्रांड्स का, हम लोग तो लेके आते हैं। अभी Amazon पे क्या है, मेरा तो खुद का हम लोग ट्रेडमार्क रजिस्टर करे हैं, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, तो वो तो ठीक है, लेकिन अब जो ब्रांड्स है वो मेरा ब्रांड ना आके दूसरे ब्रांड्स भी बेचता हूँ मैं। अब उन लोगों को, अब दूसरे ब्रांड्स वाले उन लोगों को खुद ई कॉमर्स पे आना है, आएंगे तो मेरे जैसे सेलर्स को ना, जो रीसेलर्स होते हैं उसको हटाता है, हटाएगा तो हटाने के लिए तब तब अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है, एक आध बार आपको नोटिस भी आता है, नोटिफिकेशन भी आता है कि आप प्रोडक्ट्स हटाने के लिए। बिल्कुल करेंगे दूसरों के ब्रांड्स, हमारे ब्रांड्स भी करेंगे तो ना ये कुछ लोचे नहीं होंगे, हमारा खुद वेबसाइट रहेगा, यू कैन सेल एनी ब्रांड देयर, यू डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शन तो नहीं आएंगे। तो इसलिए वही बैक ऑफ द माइंड, वो सिक्योरिटी के लिए मैं अपने ब्रांड्स, वो जो भी हर ब्रांड जो मार्केट में अवेलेबल है वो ब्रांड्स मेरे वेबसाइट पे है और वो बेच रहा हूँ वहाँ पे, तो साइमल्टेनियसली अमेजोन भी है, वो भी है, सिक्योरिटी पर्पज भाई, वो बिजनेस चलाना है तो आप सिक्योरिटी रीजन्स के लिए आप लोग को 3-3-4-4 प्लेटफॉर्म से रहना जरूरी, ऑनलाइन ऑफलाइन ये वगैरह कुछ भी हो रहना, ताकि आपकी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो मेरा खुद का रखने के लिए रीजन यही है कि सेफ्टी पर्पस, अब कुछ भी कोई भी मैं दूसरा ब्रांड बेच रहा हूँ अमेजोन पे, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मैं इस पे हाला इस पे डिपेंडेंट, एक ही चीज पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, बिल्कुल वो है। और दूसरी बात, तो कस्टमर को हम डायरेक्ट कस्टमर को ना मैं कुछ भी ज्यादा परसेंटेज, अब मेरे को तो अब यहाँ अमेजोन हट गया, या तो 25% 30% जो भी हम लोग को मिला के जो डिस्काउंट दे सकते हैं, ज्यादा मार्जिन पे हम लोग डायरेक्ट कस्टमर को देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो दो रीजन है जो मैं वेबसाइट पे, मेरे खुद के वेबसाइट में चला रहा हूँ, बस दूसरा कुछ नहीं। आखिरी सवाल, सर ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, एक है कि आपने ऑफलाइन, आपने बताया आप ऑनलाइन भी हैं, तो ऑफलाइन का तो हम समझते हैं स्कोप ऑफ वर्क क्या है फ्यूचर में, वो हमेशा चलते ही जाएगा, ऑनलाइन को आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव में सर कैसे देखते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने करियर के लिए? फ्यूचर तो वही है, फ्यूचर तो ऑनलाइन ही है जी। मेरे ख्याल से ऑफलाइन का उतना ज्यादा स्टेप वॉकिंस नहीं रहेंगे जी। अब लोग ना ऑनलाइन पे आदत पड़ेंगे तो ऑनलाइन पे ही रहेगा बिजनेस। अब जहाँ तक मेरे को मालूम है, अब तो पहले तो अब 2-3 साल पहले ब्रांड्स ना उतना अवेयर नहीं थे, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड वाले उतना अवेयर नहीं थे, हम ही बेचते थे वो उन लोगों के प्रोडक्ट्स डाल के, उन लोगों को नॉलेज नहीं था कैसे करने के लिए, खुद ही ई कॉमर्स में कूद गए। हाँ, अभी ना सब वो लोग डायरेक्ट होके बैठे हैं, तो ऑन वो एक एडवांटेज है, और दूसरी बात मैन्युफैक्चरर आके बैठे हैं और कस्टमर को अच्छे डील्स मिल रहे हैं,
तो यहाँ पे ऑफलाइन आने के लिए अब लेजी वर्ल्ड हो गया है अभी, तो लोग ना ऑनलाइन पे ही बैठे हैं, तो ऑनलाइन पे मोस्टली रहेगा, तो फ्यूचर तो वही है। तो डेफिनेटली आपको सरवाइव करना है तो बीइंग सेलर तो आपको तो दोनों पे रहना जरूरी दोनों बेस्ट रहना होगा, बिल्कुल जमाने में, मोस्टली बिल्कुल फ्यूचर है ऑनलाइन का, तो वही है रीजन। सो थैंक यू सो मच सर, इतना आपने समय दिया, इतना डिटेल में बातें की। डिटेल में बातें इसीलिए सर क्योंकि आप एक बहुत ही एक्सपीरियंस सेलर हैं, आपने सब कुछ अपने एक्सपीरियंस से बताया, इसकी वजह से आपके पास काफी पॉइंट्स थे, फैक्ट्स थे जो आपने क्लियर भी किए। आई होप कि मेरे सेलर्स को, जो बडिंग सेलर्स हैं मतलब जो बनना चाहते हैं, उनके लिए काफी क्लियर रहेगा एस्पेक्ट। तो इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आगे भी हम एक और इंटरव्यू आपसे चाहेंगे जहां पर हम लोग डेटा पे और सेल्स पे बात करें, ताकि इसको लोग एक नेक्स्ट स्टेप और रखें। बट फिलहाल सर आज के लिए सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। भाई आपकी अच्छी कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज एसपीएन प्रोग्राम, तो मैं बहुत सारा इससे पहले लिया था, जी और आपकी टीम भी वाकई अच्छी है। मैं जी आप एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं करीब करीब 5-6 साल से आप ही के पास हूँ। जी आपकी सर टीम कैसी है? जब से एक ब्रांच था आप लोगों का, आप जी सर तो शायद 5-6 हो गए शायद। हाँ सर, मैं बैंगलोर ब्रांच हाँ, से तो मैं तब आपकी एक थी, तब से हूँ मैं। मैं जी हर टीम मेंबर्स को, आपके जितने सारे टीम मेंबर्स जो भी काम करते हैं अकाउंट जी मैनेजमेंट में, सर सब लोगों को जानता हूँ, पहचानता हूँ। जैसे कि यू आर लाइक माई फैमिली मेंबर्स, सुबह शाम फोन करता थैंक हूँ। यू आप तो, मैं तो फोन पे बात कर रहा था आपसे, आज जी खुशी हुई आपसे मिल के। जी सर कुछ सेम है सर, बहुत खुशी टीम, हुई बिल्कुल अच्छी टीम है, आप बढ़ते जाइएगा। हमारी हमारे सर तरफ से आपको हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच सर और मैं एक दरख्वास्त करता हूँ कि कोई भी व्यूअर्स जो भी हमारे हैं, आप पोस्ट करते हैं बिग फैक्शन इज बेस्ट कंपनी, अच्छी टीम है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सर्विसेज लीजिए, अच्छा ख्याल रखेंगे आपका अकाउंट, आप ग्रोथ रहेगा आपका। बस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, बहुत मीन करते हैं सर, थैंक यू सो जो मच आपने इतना दुआ दिया सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, जी, डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपका आज ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस में कुछ कमी लगती है या लगता है कि ये फीचर हमें ऐड करना चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, हम आपके कमेंट्स पे वर्क जरूर करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे बिग फैक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, सबसे पहले हमारे बिग फैक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे बिग फैक्शन के आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। सो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।